ओके सो फाइनली MIUI 13 का कंट्रोल सेटर आप अपने डिवाइसेस में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली MIUI 13 के अपडेट में भी हमें MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर जो है वो देखने को नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपको इसे अपने डिवाइस में यूज़ करना है और इंस्टॉल करना है भी अपने डिवाइस में, ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में, तो किस तरह से कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये देखने में आपको MIUI 13 जैसा लग रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली MIUI 13, लेकिन काफ़ी अच्छी UI इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। सभी टाइल्स जो भी आपको चाहिए वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। वैसे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल और काफ़ी स्मूथ है ऑफकोर्स। और अगर बात करें कुछ चीज़ों की क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे AOSP रोम में यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। टॉच वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी टाइल को इनेबल डिसेबल करते हैं, वो आपको देख रहे हैं आप काम कर रहा है। उसके साथ साथ अगर ब्लूटूथ वगैरह को इनेबल करके मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये चीज़ काम भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस कर पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर आइकन के एनिमेशंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कमाल के यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और मुझे लगता है ये कंट्रोल सेंटर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा, मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको इस कंट्रोल सेंटर को अपने डिवाइसेज में यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, तो कैसे कर पाएंगे आपको मैं इंस्टॉलेशन भी इसके बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी स्मूथ है। और अगर आपको इसमें नोटिफिकेशन सेंटर चाहिए तो आपको लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करना पड़ेगा। वैसे इसके लिए सेटिंग अवेलेबल है, आप वहाँ से स्वाइप राइट करेंगे तो आपके पास कंट्रोल सेंटर अवेलेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्वाइप राइट नहीं करेंगे यानी कि स्वाइप लेफ्ट करना चाहेंगे तो नोटिफिकेशन सेंटर इनेबल नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। वैसे काफ़ी सिंपल है, जस्ट एक एंड्रॉइड ऐप है जिसको आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। मैं आपको बता दूँ आपको कैसे इसको यूज़ करना है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करना है। इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है MIUI 13, और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है इनेबल कंट्रोल सेंटर। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे आपके पास कुछ परमिशंस आपको अलाउ करनी पड़ेंगी, लाइक वाइल यूजिंग द ऐप। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग जो है वो अलाउ करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ करा हुआ था, ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ था, इसलिए मेरे केस में यहाँ पर मुझे थोड़ी देर के लिए, मैं आपको देखता हूँ, मुझे यहाँ पर शुगर है नॉट वर्किंग। और मैं दूसरी परमिशन आपको अलाउ करके दिखाता हूँ, इनेबल कंट्रोल सेंटर ऑप्शंस और इनेबल नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस के लिए आपको इसको नोटिफिकेशन एक्सेस देनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस शो होंगे। जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड परमिशंस है उसको आपको अलाउ करना है, तभी ये चीज़ काम करेगी। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, मैंने इसको अभी इंस्टॉल किया था, अगर अब दोबारा से मैं क्लिक करूँ यहाँ पर जाने के बाद, इसको एक बार डिसेबल करके इनेबल यानी डिसेबल और इनेबल दोबारा से करता हूँ लाइक दिस, और अब ये चीज़ हमारे केस में काम करेगी लाइक दिस। और एज यू कैन सी यहाँ पर ऑन शो कर रहे हैं। स्वाइप डाउन करने पर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से न्यू MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, और मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर बात करेंगे किसी कस्टमाइजेशन की एक्सेट्रा की, तो कस्टमाइजेशन तो आपके पास कुछ बेसिक से अवेलेबल है। आपके पास यहाँ पर MIUI के वॉलपेपर्स यानी कि MIUI 13 के वॉलपेपर्स भी अवेलेबल हैं। अगर मैं चेंज ऐप वॉलपेपर पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वॉलपेपर्स अवेलेबल है, जो कि लेटेस्ट नए वॉलपेपर्स हैं। कुछ वॉलपेपर्स किसी और Xiaomi डिवाइसेस में से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा वॉलपेपर लगा वो है ये। अगर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल डाउनलोड भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अप्लाई पर क्लिक करेंगे, सेटिंग वॉलपेपर, और अब आप अगर कंट्रोल सेंटर की UI को चेक करेंगे लाइक दिस, तो बहुत ही कमाल की UI अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुझे लगता है ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। दिस इज़ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Like I'm floating through the air.